मशहूर पंजाबी सिंगर और खालिस्तानी समर्थक ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर भारत के नक्शे से किया छेड़छाड़, भारतवासियों ने निकाल दी सारी हैकड़ी। अब बुरी तरह से हो रहे हैं बाइकॉट। हिंदुस्तान ने दिखा दिया क्या होता है राष्ट्रभक्ति। जिस सिंगर के थे विराट कोहली पांड्या मुरीद, उसके खाने को पड़ गए लाले। भारत ने खींच लिया अपना हाथ, खालिस्तानियों ने मिला लिया सिंगर से हाथ। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों ने छुड़ा दिए खालिस्तानी समर्थकों के छक्के। कनाडियन सिंगर लाइव कंसर्ट का था मुंबई में शोर, भारत ने निकाल दी एक झटके में सारी हैकड़ी। कर दिया ऐसा काम, हो गया करियर बर्बाद। कनाडा को पिलाई भारत ने कड़वी दवाई, खालिस्तानियों की सामत आई। भारत ने ले लिया अपमान का बदला, हो गया खालिस्तानियों का बुरा हाल। जी हाँ, एक समय पर टीम इंडिया जिस मशहूर सुभनीत सिंह के गाने पर ठुमके लगाकर मस्ती करती थी, अब वही टीम इंडिया के खिलाड़ी इस खालिस्तानी सिंगर को ऐसा सबक सिखा दिए हैं कि उसकी अकड़ निकल गई है। कनाडा के रहने वाले मशहूर सिंगर जैसे ही भारत के नक्शे से छेड़छाड़ किया, भारतवासियों ने पलभर में सारी हैकड़ी निकाल दी। कनाडा के रहने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर सुभनीत सिंह उर्फ सुब के नाम पर बवाल मचा हुआ है। वो अपनी एक विवादित इंस्टा पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और इसके बाद उन्हें एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल 26 साल के सुब का अलगाववादी खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लग रहा है। सुब द्वारा इंस्टा पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरें लगाने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सुब अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करते हैं, जिस कारण अब फैंस से लेकर शो के स्पॉन्सर तक उनसे नाराज, उनको भयंकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शो के स्पॉन्सर बोट इंडिया ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ओजी एलिवेटेड और टेक्स जैसे गानों के लिए जाने जाने वाले शुभ का मुंबई में होने वाला शो रद्द हो गया है। बुक माई शो ने सिंगर शुभ के भारत में होने वाले सभी कंसर्ट्स कैंसिल कर दिए हैं और इसी के साथ सभी ग्राहकों को उनके पैसे लौटा दिए हैं। बता दें कि सुभनीत के गीतों का इतना क्रेज है कि क्रिकेट स्टार विराट कोहली भी उनके गाने के फैन थे। विराट कोहली सुब को इंस्टा पर फॉलो करते थे, लेकिन इस विवाद के बाद उन्होंने भी उनके लिए अपनी नाराजगी जताते हुए सिंगर को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है। विराट के साथ साथ सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने भी सुब को अनफॉलो कर दिया है। भारतीय फैंस जो सुभनीत के गानों को पसंद करते थे, वो अब सुभनीत को अनफॉलो करके उनका विरोध कर रहे हैं। सुब का पूरा नाम सुभनीत सिंह है। 2 साल पहले उन्होंने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। 2021 में इरमान तिहारा के डोंट लुक से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले सुब के सिंगल्स ने महज 24 महीने में यूके एशियन, यूके पंजाबी चार्ट के साथ साथ बिलबोर्ड कैनेडियन 100 पर जगह बनाई है। साल 2021 में सुब ने अपना पहला गाना वी रोलिन रिलीज किया था, जिसे यूट्यूब पर 206 मिलियन से अधिक व्यूज मिले थे। इसके बाद सुब का एक और गाना बड़ा हिट हुआ। सुब के गाने ज्यादातर गैंग्स, बंदूक, कार, जाट लाइफ पर बेस्ड होते हैं।